الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أسلم الكلام كلام الله وخير أحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله تعالى في موضع آخر ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين وقال الله تعالى في مقام آخر إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وقال الله تعالى في مقام آخر سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا معزز السامعين حاضرين الجمعة बुजुर्गों दोस्तों पर्दा नशीन इस्लामी माओ और बहनों तमाम किस्म की तारीफा हम दो सदाइश अजमतों की बजाई तहमीद और तकदीस उस खालिक़े कायनात मालिक अर्ज़-ओ-समा और मुदब्बिर इंसान के लिए है जो हम तमाम इंसानों का और कायनात की ज़र्रा ज़र्रा चीज़ों का मालिक मुरब्बी और बानिहार है बेशकहा दरूद व सलाम हो उस ज़ात मुक़द्दसा नवा मकाम व आला पर जिसका नाम है नामी इस निगरान में मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम है जिन्होंने दुनिया के अंदर आकर हक को बातिल से नूर को तारीकी से और हिदायत को गुमराही से चाट कर नुमाया और वादा कर दिया अल्लाहुम्म सल्ली अला मोहम्मद व अला आलि मोहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुल मजीद اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد معاذ السامعين خطبة مسنونة کے بعد میں نے آپ کے سامنے سورة النحل سورة نمبر 16 آیت نمبر 120 اور 121 ان دونوں آیات کی میں نے تلاوت کی ہے اس ضمن میں اس مناسبت سے आज के खुतबे जुमा का मेरा मौजू है सीरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि रब्बुल आलमीन
हम तमाम लोगों को कहने सुनने से ज्यादा उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और इब्राहिम आला नबी अलैहिस्सलाम की जिंदगी की जो दुनिया आज आपके सामने रखी जाएगी उनसे हमें सबक सीखने की, उससे दर्स लेने की हमें जो अल्लाह रब्बुल आलमीन तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। आइए हम देखते हैं कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सीरत की कुछ अहम बातें, अल्लाह के नबी इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जिंदगी की कुछ झलकियां, ताकि हमारे जिंदगी के अंदर भी वो तमाम चीजें आए और हम भी अल्लाह के नेक बंदे बन सके, हमारे जिंदगी के अंदर भी इंकलाब पैदा हो सके। मेरे भाइयों, मेरी माँ और बहनों, इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सीरत और इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जिंदगी की कुछ झलकियां आज हम उसको मालूम करेंगे। अभी कुछ दिनों के बाद ज़िलहिज्जा के महीने में हम प्रवेश करेंगे, ज़िलहिज्जा के महीने में कदम रखेंगे और वो महीना हमारे ऊपर साया फकल होगा। उस महीने में तमाम के तमाम मुसलमान दो इबादतों को अंजाम देते हैं, एक इबादत हज बैतुल्लाह और दूसरी इबादत जिसको हम आराम कुर्बानी कहते हैं। ये दोनों इबादतें तमाम के तमाम मुसलमान इसी ज़िलहिज्जा के महीने में अदा करते हैं और इन दोनों इबादतों का ताल्लुक हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से बड़ा गहरा ताल्लुक है। मेरे भाइयों, इब्राहिम अलैहिस्सलाम कौन है? इब्राहिम अलैहिस्सलाम कौन है? अगर इब्राहिम अलैहिस्सलाम की शख्सियत को जानना है तो सिर्फ इतना कह देना काफी होगा कि पूरी दुनिया के टूट-फट आबादी दो बटा तीन हिस्सा आबादी ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अपना पेशवा, अपना कायद, अपना रहबर मानती है। दो बटा तीन हिस्सा टूट-फट आबादी इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अपना पेशवा और रहबर मानती है। यहूदी भी इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अपना कायद, अपना इमाम मानते हैं। ईसाई भी इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अपना कायद, रहबर और पेशवा मानते हैं। मालूम यह हुआ कि दुनिया के दो बटा तीन हिस्से के लोग इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अपना कायद और रहबर मानते हैं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के मकाम को जानना है तो आपको मालूम होना चाहिए कि जहां पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कायनात के अंदर भूमि कायनात के लोगों को हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा करने का हुक्म दिया, वही इमाम कायनात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा अनि तबअ मिल्लत इब्राहिम हनीफा, ऐ नबी आपको इब्राहिम अलैहिस्सलाम की इत्तबा करनी होगी, आपको इब्राहिम अलैहिस्सलाम की पैरवी करनी होगी। गौर करने का मकाम है, पूरी दुनिया के लोगों को मोहम्मद रसूलुल्लाह की पैरवी करने का हुक्म दिया जा रहा है, लेकिन अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या हुक्म मिला कि आपको इब्राहिम अलैहिस्सलाम की पैरवी करनी है। पूरी दुनिया के लोगों को कहा गया कि आपको मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की को अपना आइडियल और नमूना बनाना है और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया गया कि आपको इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अपना आइडियल और नमूना बनाना और करने का मकाम है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के ताल्लुक से एक बात बड़ी हैरत अंगेज बात है, वो क्या है? क़यामत के दिन तमाम के तमाम लोग बराबर होंगे, जिसम पर कोई लिबास नहीं होगा, बिल्कुल नंगे होंगे, कोई लिबास नहीं होगा। इमाम कायनात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम शरूर यौमुल कियामती हुबातन उबातन होगा कि तुम लोग क़यामत के दिन जमा किए जाओगे, नंगे बदन होगे, नंगे सर होगे और बगैर कपड़ा के तुम आओगे, क़यामत के दिन तुम जमा किए जाओगे। लेकिन कुर्बान जाइए इब्राहिम अलैहिस्सलाम की फजीलत पर, उनकी इमामत पर, इमाम कायनात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अव्वलु मिन अल खलाइक़ युक्सा यौम अल क़ियामती, इब्राहिम अलैहिस्सलाम की पूरी मखलूकात में, तमाम मखलूकात में क़यामत के दिन अगर सबसे पहले लिबास किसी को पहनाया जाएगा तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम होंगे। अल्लाहु अकबर। और कीजिए मेरे भाइयों,
भूमि कनाने चुने और पूरी मखलूकात चुने, अगर सबसे पहले कयामत के दिन अगर किसी को कपड़ा पहनाया जाएगा तो वो कौन होंगे? इब्राहिम अलैहिस्सलाम होंगे। और आगे बढ़िए, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के मकाम को, मर्तबे को जानना है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम को पहचानना है कि आखिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम है कौन, उनके मकाम और मर्तबा इतना मिला क्यों, कैसे इमाम बने, कैसे कायद बने, और तू पर हिंसा और आबादी के लोग उनकी इज्जत करते हैं, आखिर वजह क्या है? मेरे भाइयों, जब इंसान नमाज पढ़ता है, चाहे वो नमाज फर्ज हो, चाहे वो नमाज नफिल हो, सुन्नत हो, चाहे वो वितर हो, चाहे वो नमाज इस्तिस्का की नमाज हो, कौन भी नमाज हो, कौन भी नमाज हो, हर नमाज में जब इंसान तशहुद में बैठता है तो दुरूद शरीफ उसको पढ़ना जरूरी है। वो पढ़ता है अल्लाहुम्म सल्ली अला मोहम्मद व अला आली मोहम्मद, वहीं पर वो ये भी पढ़ता है कमा सल्लैत अला इब्राहीम व अला आली इब्राहीम इन्नका हमीदुल मजीद। जहां पर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजता है, वहीं पर वो इंसान और नमाजी इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर भी दुरूद भेजता है, और भेजना जरूरी है। अगर कोई नमाज में तशहुद में दुरूद शरीफ नहीं पढ़ता है, उसकी नमाज नहीं होती है। मेरे भाइयों, गौर करने का मकाम है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम का मकाम कितना ऊंचा, कितना मर्तबा, और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कितना बड़ा मकाम उनको इब्राहिम अलैहिस्सलाम को दिया। और भी दी मेरे भाइयों, ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम के मकाम और मर्तबे की चंद झलकियां। लेकिन एक चीज याद रखिए, कुदरत का उसूल है, कुदरत का कानून है, अगर किसी बामकसद चीज को हासिल करना है, किसी बामकसद चीज को हासिल करना है, तो बामकसद चीज को हासिल करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, कुर्बानी देनी पड़ती है, कोशिश करनी पड़ती है, और बेमकसद चीज को जिसका कोई फायदा नहीं है, अगर ऐसी चीज हासिल करना है, कोई मेहनत मत कीजिए, कोई कुर्बानी मत दीजिए, कोई कोशिश मत कीजिए, बेमकसद चीज आपको वैसे भी मिल जाएगी। मिसाल के तौर पर एक किसान अपने खेत के अंदर वो ये चाहता है कि मेरा खेत लहलहाता उगे, गन्ना अगर बोया है, सोयाबीन बोया है, अगर उसने जो है गेहूं या इस तरीके से चावल बोया है, तो वो चाहता है कि अच्छी फसल उगे, अच्छा बेहतरीन फसल गन्ना उगे, तो उसके लिए क्या करता है किसान, मेहनत करता है, मेहनत करता है, उसके अंदर जो है वो अनाज डालता है, खेत को जोतता है, खेत को तैयार करता है, कुर्बानी देता है, तब जाकर के एक मुद्दत के बाद, कुछ महीने के बाद उस खेत के अंदर फसल उगती है। लेकिन अगर वही किसान सोच ले कि नहीं, मैं मेहनत नहीं करूंगा, मेरे खेत में वैसे ही जो है घास फूस उग जाए, तो उसको मेहनत करने की जरूरत नहीं है, बगैर मेहनत के उसके खेत में घास फूस उग जाएगा। ऐसे अगर कोई आदमी चाहता है कि मैं ऊंची जगह पर चढ़ूं, तो उसको मेहनत करनी पड़ती है, सांस लेने लगता है, तब जाकर वो ऊंचाई पर चढ़ता है। लेकिन अगर ऊंचाई से नीचे आना है, कोई मेहनत नहीं करना है, वो अपने आप को ढीला छोड़ दे, वैसे ही दौड़ता हुआ वो नीचे चला आएगा। इसी तरीके से इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कुर्बानी पेश की है, अल्लाह को भरोसा किया है, अपने आप को वक्त दिया है, जिंदगी को वक्त दिया है, अपने बच्चों को छोड़ा है, अपने घर को छोड़ा है, तब जाकर इतनी कुर्बानी देने के बाद आज वो अल्लाह के करीब बने हैं, अल्लाह ने अपना दोस्त बनाया है, अल्लाह ने अपना महबूब बंदा बनाया है, अपना नबी बनाया है। इतनी कुर्बानी देने के बाद जाकर के इब्राहिम अलैहिस्सलाम को इतना बड़ा मकाम मिला। मेरे भाइयों, इब्राहिम अलैहिस्सलाम इराक के एक शहर उर में पैदा हुए। कहां पर पैदा हुए? इराक के एक शहर उर, जिसका पुराना नाम बाबिल था, आज उसका नाम इराक है। इराक के एक शहर उर में पैदा होते हैं, और जिस घर में जन्म लेते हैं वो घर मुश्रिकाना घर, वो घर जो है बुतों की पूजा करने वाला, बाप बुत को बना करके बेचता था। और जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम छोटे थे तो बाप ने कहा क्या इब्राहिम, तुम इस बुत को लेकर बाजार में बेचने के लिए जाना करो। इब्राहिम अलैहिस्सलाम बाप के कहने पर, छोटे बच्चे थे, बाप की बात माननी थी, अभी तो उतना होश हवास नहीं था, लिहाजा वो बुत को लेकर के
मार्केट में बेचने जाते हैं, लेकिन गौर कीजिए इब्राहिम अलैहिस्सलाम का ईमान कितना मजबूत था। ऐसे छोटेपन में भी इब्राहिम अलैहिस्सलाम बाप के कहने पर खुद लेकर जा रहे हैं मार्केट में बेचने के लिए, और जब अपना दुकान लगाते हैं लोग खरीदार आते हैं, खरीदार से क्या कहते हैं, खरीदार से कहते हैं इस चीज को मैं यश्तरी मिन्नी मा ला यन्फा वला यज़ुरु, इस चीज को मुझसे कौन खरीदेगा जो न फायदा दे सकता है न नुकसान दे सकता है। अल्लाह हू अकबर, इस चीज को कौन खरीदेगा मुझसे जो न फायदा दे सकता है न नुकसान दे सकता है। अगर सामान बेचने वाला अपने सामान की खुद खराबी बयान करे तो क्या उसके सामान को कोई खरीदेगा, नहीं खरीदेगा। सुबह से शाम होना की वैसे के वैसे रखा रहता, कोई नहीं खरीदता, लेकर फिर चले आते। ऐसा कई दिन तक हुआ, बाप गुस्सा होता, बाप मारता भी, लेकिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम के ईमान का कमाल देखो। इब्राहिम अलैहिस्सलाम का रिश्ता अल्लाह से कितना मजबूत था कि रब्बुल आलमीन ने कहा इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ऐसे दौर से भी अपने आप को गुजारा, फिर भी कभी शिर्क नहीं किया, कभी शिर्क नहीं किया, शिर्क के दलदल में नहीं फंसे। और इसीलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम का इंट्रोडक्शन कराया, तआरुफ कराया, तआरुफ कराते हुए कहा, क्या कहा इस इब्राहिम अलैहिस्सलाम का तआरुफ कराते हुए कहा इन्ना इब्राहिम काना उम्मतन क़ानितन लिल्लाहि हनीफा। इब्राहिम अलैहिस्सलाम क्या थे, अकेले पूरी कौम के बराबर थे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम पूरी कौम में अकेले मुसलमान, अकेले अल्लाह वाले। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा इब्राहिम अलैहिस्सलाम अकेले पूरी उम्मत के बराबर थे, पूरी कौम के बराबर थे, और कानित लिल्लाह हनीफा, अल्लाह रब्बुल आलमीन के कानित थे। कानित का मतलब क्या होता है, हम लोग इसी से कुनूत बना है, दुआएं कुनूत पढ़ते हैं, इसी से दुआएं कुनूत बना है। कानित का मतलब होता है अरबी में कहते हैं गवामुत्ता, पाबंदी से किसी की इताअत करना, पाबंदी से किसी की इताअत करना। एक होता है इताअत करना और एक होता है इताअत पर जमे रहना। इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह की पाबंदी से इताअत करने वाले थे, इताअत पर जमे हुए थे। अल्लाह ने कहा मेरा बंदा कानित लिल्लाह, अल्लाह के लिए वो इताअत करता था, अल्लाह की इताअत में अपने आप को जमा हुआ था। और फिर क्या कहा हनीफा, उन्होंने अपने आप को अल्लाह के लिए वक्फ कर दिया, पूरी जिंदगी वक्फ कर दिया, पूरी जिंदगी अल्लाह के लिए वक्फ कर दिया। उसके बाद अल्लाह ने कहा वलम यकुन मिनल मुशरिकीन, और मेरा बंदा मुशरिकों में से नहीं था। अब आप गौर करेंगे इस आयत पर, अल्लाह ने जब यह कह दिया कि इब्राहिम अल्लाह के मुती फरमा बरदार थे, अल्लाह के इताअत गुजार थे, अल्लाह के लिए उन्होंने जमीन अपनी जिंदगी को वक्फ कर दिया, तो फिर ये क्यों कहा वलम यकुन मिनल मुशरिकीन, वो मुशरिकों में से नहीं थे, ये कहने की जरूरत क्यों पड़ी। जब हम तफसीर में गौर करते हैं तो मालूम होता है कि अल्लाह ने मुशरिकीन मक्का को चोट पहुंचाया, यहूदियों को चोट पहुंचाया, ईसाइयों को चोट पहुंचाया, और कहा है मुशरिकीन मक्का जो तुम कहते हो कि हम इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पैरों का है, यहूदियों जो तुम कहते हो कि हम इब्राहिम अलैहिस्सलाम की औलाद में से है, ईसाइयों तुम कहते हो कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम हमारे रहबर कायम है, तो तुम शिर्क करते हो, और मेरा नबी मुशरिक नहीं है, मेरे नबी ने शिर्क नहीं किया है। वलम यकुन मिनल मुशरिकीन, अगर तुम इब्राहिम को अपनी औलाद में से मानते हो, अपने इब्राहिम को अगर तुम अपना रहबर और पेशवा मानते हो, तो शिर्क को छोड़ो, इसलिए कि मेरा नबी मुशरिक नहीं है, मेरा नबी मुशरिक नहीं है। मेरे भाइयों, उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा शाकिरन लि अनअमी, इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह की नेमतों का शुक्रिया अदा करते थे, अल्लाह की नेमतों का शुक्रिया बजा लाते थे। शुक्रिया किसे कहते हैं, अल्लामा इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि शुक्रिया तीन चीजों का नाम है, एक चीज जुबान से इज़हार करना, जुबान से तारीफ करना, किसी नेमत के मिलने से जुबान से अल्लाह की तारीफ करना, दिल में उसकी मोहब्बत, दिल में उससे मोहब्बत करना, और तमाम आदा व जवारे को अल्लाह की अतात में लगा देना, इसका नाम शुक्रिया। इसका नाम क्या है, शुक्रिया, यानी जुबान से अल्लाह की तारीफ करना, दिल में अल्लाह की मोहब्बत करना, और तमाम आदा व जवारे
या दांत में लगा देना, इसका नाम शुक्रिया। मेरे भाइयों गौर कीजिए कि जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम इस दौर से गुजरे तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने नबी बनाया। क्या बनाया? अल्लाह ने नबी बनाया, अल्लाह रब्बुल आलमीन के नबी बन गए, लोगों के लिए रहबर और पेशवा बन गए। जब नबी इंसान बनता है, जब पेशवा और कायद उसको बनाया जाता है, तो उसकी जिम्मेदारी होती है कि वो दावत तौहीद को आम करे। अब दावत तौहीद को आम करने के लिए, इस मिशन का आगाज करने के लिए सबसे पहले उन्होंने अपने घर को चुना, अपने घर से शुरुआत की, पाप से शुरू किया। मेरे भाइयों गौर कीजिए, पाप एक नंबर का मुशरिक और बेटा अल्लाह का रसूल है, बेटा अल्लाह का रसूल है। और इब्राहिम अलैहिस्सलाम को दावत भी देनी है, तौहीद की दावत भी पेश करनी है बाप के सामने, और बाप का एहतराम भी सामने रखना है, बाप की इज्जत भी करनी है। ऐसी कोई बात ना हो पाए जिससे बाप की इज्जत को ठेस पहुंचे, बाप का एहतराम भी करनी है और अल्लाह की दावत को भी पेश करना है। मेरे भाइयों जब कुरान करीम उठाएंगे किस बेहतरीन अंदाज में बाप के सामने तौहीद की दावत को पेश किया है, आज ये दर्स हमारे लिए भी है कि किस अंदाज में तौहीद की दावत को समाज के अंदर, मुआशरे के अंदर पेश करना चाहिए। सीखिए इब्राहिम अलैहिस्सलाम से। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बारे में कुरान कहता है उस दावत को पेश करते, कुरान देते वो पेश करता है, क्या कहता है इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बारे में कुरान ने कहा आप ऐसी चीजों की इबादत क्यों करते हैं जो सुन नहीं सकते, जो देख नहीं सकते, जो आपको फायदा नहीं पहुंचा सकते, आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकते, और आपको कोई भी फायदा नहीं दे सकते, ऐसी चीजों की इबादत क्यों करते हैं। और ये इस आयत करीमा में अल्लाह ने क्या कहा, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दावत को पेश किया किस बात से, या अबदी ऐ अब्बा जान, ऐ अब्बा जान। आज जब कोई बुढ़ापे की उम्र को पहुंचते हैं तो उनकी ख्वाहिश होती है बेटा कुछ दे ना दे, पैसा ना दे चलेगा, खाना ना बनाकर बहू दे चलेगा, लेकिन कम से कम बेटा मेरे पास अपने बिजी शेड्यूल में से, अपने बिजी लाइफ में से 5 मिनट बैठ जाए मेरे पास और उससे मीठी मीठी बात कर ले, यही एक बुढ़ापा, एक बुढ़ा बाप अपने बच्चे से चाहता है। जब और उम्र गुजरती है बाप चाहता है मुझे कुछ नहीं मिला, लेकिन बेटा मेरा कहे अरे अब्बू जान, प्यार से कहे अरे अब्बू जान, अरे वालिदे मोहतरम ये काम करना चाहते हैं, ये प्यार बाप सुनना चाहता है। है कोई बेटा जो अपने बाप को, अपने बाप को बुढ़ापे की उम्र में इस अंदाज में बात करे ताकि बाप का दिल खुश हो जाए, बाप का दिल खुश हो जाए, इस पेड़ को मैंने दरख्त को बनाया था, आज वो पेड़ खराब हुआ है, उसने बहुत खाने का वक्त आया है। आज बाप को बेटे कितने कितने अंदाज में, कितने बुरे बुरे अंदाज में बाप से बात करते हैं, लेकिन सीखो मेरे भाइयों इब्राहिम अलैहिस्सलाम से। इब्राहिम अलैहिस्सलाम बात कर रहे हैं किससे, एक मुशरिक बाप से, बाप मुशरिक है, घराना मुशरिक है, ऐसे बाप से बात कर रहे हैं, या बती लिमा ताबुदु वला यस्मउ वला युबसिरु वला युग़नी अन्क शैया, ऐ अब्बा जान आप उस चीज की इबादत क्यों करते हैं जो फायदा नहीं दे सकती, नुकसान नहीं दे सकती, आपको कोई फायदा नहीं दे सकती है। उसके बाद क्या कहा, या अबती इन्नी कद जाए मिन अल-इल्मि मा लम यहदिक फत्तबिनी अहदिक सिरातन सबिया, ऐ अब्बा जान या अबती इन्नी कद जाए, ऐ अब्बा जान मेरे पास वो इल्म आया है, वो इल्म आया है जो आपके पास नहीं है, फत्तबिनी आइए मेरे पीर मेरे पीछे पीछे चलिए, मेरी बात को मान लीजिए, फत्तबिनी अहदिक सिरातन सबिया, मैं सही रास्ते पर आपको ले चलूंगा, उस रास्ते पर चलने चलूंगा।
जो रास्ता जन्नत का रास्ता है, जो शाहराह जन्नत की तरफ ले जाती है, अब बोला आइए मेरे पीछे पीछे चलिए, मैं आपको सीधा रास्ता बताऊंगा। अल्लाह अकबर। आज अगर कोई बेटा हो तो बाप को क्या बोलेगा, अब्बू जान मैं आ रही हूं, आप जाहिर है मेरी बात को मानिए। लेकिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम का अंदाज कितना मिला, क्या कहा, अब्बू जान मेरे पास वो इल्म आया है जो इल्म आपके पास नहीं है, आप मेरी बात को मान लीजिए, मेरे पीछे पीछे चलिए, मैं आपको सही रास्ता बताऊंगा। उसके बाद क्या कहा, या वतीला ताकुल शैतान, आया भोजन, आया भोजन, अब्बा अब्बा कहकर पुकार रहे, आया भोजन, ला ताकुल शैतान, शैतान की इबादत मत कीजिए, शैतान की पैरवी मत कीजिए, इन बुतों के सामने अपने सर को घुटने किए, इन बुतों को मुश्किल कुशा मत समझिए, इसलिए अल्लाह का ना फरमान है, अल्लाह का ना फरमान है, अल्लाह के ना फरमानों की बात मत मानिए। और कीजिए मेरे भाइयों, क्या कहा, शैतान की पूजा मत कीजिए, शैतान की पैरवी मत कीजिए, शैतान की इबादत मत कीजिए, इसलिए कि शैतान वो अल्लाह का ना फरमान है। उसके बाद क्या कहा, या रब्बी इन्नी अखाफु अन यमस्सक अज़ाबु मिन अर-रहमान, आया पूजा, मुझे डर लगता है, मुझे खौफ है कहीं अल्लाह के अजाब में आप गिरफ्तार ना हो जाए, अल्लाह का अजाब आपके ऊपर आ जाए, अल्लाह के अजाब में गिरफ्तार हो जाए। मेरे भाइयों गौर कीजिए, इस आय से एक सबक मिल रहा है कि बच्चे को बेटे को हमेशा अपने बाप की खैरखाई का जज्बा रखना चाहिए, बाप को तकलीफ से बचाना कैसे है उसी चीज को समझना चाहिए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बाप के साथ किस तरह खैरखाई कर रहे हैं, बाप को बचाना चाहते हैं, और कह रहे हैं भूतन आया भूतन, मुझे कर इस बात का, कहीं आप ऐसा काम करते रहे अल्लाह का अजाब आपके ऊपर आ जाए, अल्लाह के अजाब में गिरफ्तार हो गए। मेरे भाइयों गौर कीजिए, इब्राहिम अलैहिस्सलाम कितना प्यारा जुमला इस्तेमाल कर रहे हैं, अब भोजन ये काम मत कीजिए, ये काम मत कीजिए। लेकिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बाप ने क्या कहा, आज हमने इब्राहिम अलैहिस्सलाम के इस तमाम इताबत के जवाब में क्या कहा, गौर करने की बात है, क्या कहा, आला अराधिब अंत अना लिहदी या इब्राहिम, आला अराधिब अंत अना लिहदी या इब्राहिम। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बाप ने कहा, आए भाई क्या तुम मेरे माबूदों से नफरत करता है, क्या तुम मेरे माबूदों को देखना नहीं चाहता है, लैन लम तम तही लअरजुमन्नक वहजुरनी मलिया, अगर तू इससे बाज ना आया तो मैं तुझे पत्थर से मार मार कर हलाक कर दूंगा, मैं तुझे मार डालूंगा, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, चल तू मेरे घर से निकल जा। अल्लाह अकबर। और दीजिए बाप बेटा किस अंदाज में बात कर रहा है और बाप क्या जवाब दे रहा है। अब अगर ऐसे बाप किसी बाप बेटे से बात होती रहे, बाप बेटा अच्छे अंदाज में जवाब देता रहे और बाप उसके रिएक्शन में क्या जवाब दे, ऐसा जवाब देगा तो बेटे का रिएक्शन क्या होगा, वो जरूर कुछ ना कुछ गुस्से में दो तीन जुमला बोल देगा। लेकिन गौर कीजिए, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बाप के इस जुमले को सुना, उसके बाद ही आपने ईमान का क्या कहना, आपकी दावत का क्या कहना, किस तरीके से दावत को पेश किया, इब्राहिम अलैहिस्सलाम से सीखने की जरूरत है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, आल सलामुन अलैक, ऐ अब्बा जान आपके ऊपर सलामती हो, आपको मैं सलाम करता हूँ, सास्ता मुझे बोला कर रब्बी, मैं आपके लिए मगफरत की दुआ करता रहूंगा, वो आयत सिजुकुम वमा तदउन मिन दुनिल्लाह, मैं आपको भी छोड़कर जा रहा हूँ, अपने घर को भी छोड़कर जा रहा हूँ, उन तमाम चीजों को छोड़कर जा रहा हूँ जिसको अल्लाह के अलावा आप जिसकी पूजा करते हैं, आपके तमाम माबूदान इबादत को छोड़कर मैं चले जा रहा हूँ, मैं घर को भी छोड़ रहा हूँ, आपको भी छोड़ रहा हूँ, मोहल्ले वाले को भी छोड़ रहा हूँ। गौर करने का मकाम है मेरे भाइयों, इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जैसे बेटा बनिए, इब्राहिम अलैहिस्सलाम का अंदाज देखिए, दावत किस अंदाज में पेश किए, बाप को किस अंदाज में दावत दिया। गौर करने की बात है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम गुस्सा नहीं हुए, सब्र किया। और आपको मालूम है इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपनी जिंदगी में कामयाबी उनको कैसे मिली, इतना बड़ा इनाम कैसे मिला, इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सोच हमेशा पॉजिटिव बना करती थी, मुस्बत रहती थी,
जब बाप ने घर से निकाला तब भी पॉजिटिव सोचा, मुसीबत सोचा। जब आग में डाला गया तब भी सोच पॉजिटिव थी, मंडी नहीं थी, नेगेटिव नहीं थी, पॉजिटिव पॉजिटिव सोच थी। और जब बच्चे को और बीवी को बयाबान में छोड़ने का हुक्म दिया तब भी सोच पॉजिटिव थी। और जब उसके बाद बच्चे को अपना हक गिराम में कुर्बान करने का हुक्म दिया तब भी सोच क्या थी, पॉजिटिव थी, मुसीबत सोच थी। याद रखिए, जो इंसान मुसीबत सोचता है, मुसीबत पॉजिटिव, तो वो हमेशा कामयाब रहता है। आज इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जिंदगी को देख लीजिए, हमेशा पॉजिटिव सोचा, मुसीबत सोचा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने खिजर जैसा मकाम दिया, खलील बनाया, दोस्त बनाया। मेरे भाइयों, वक्त काफी हो चुका है, इसलिए इंशाअल्लाह अजीज मैं आइंदा खुतबे में आपको ये बात बताऊंगा कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जब बाप को दावत पेश किया, तौहीद को दावत पेश किया, बाप ने इनकार किया, फिर कहा जाते हैं किसको दावत पेश करते हैं, फिर उसके बाद क्या होता है, ये तमाम बातें इंशाअल्लाह अजीज आइंदा जुमे में मैं आपके सामने रखूंगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ करता हूँ कि रब्बुल आलमीन हम तमाम लोगों को भी एक सच्चा बेटा, एक बेहतरीन बेटा, इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जैसी दावत को पेश करने वाला बेटा और उन जैसी दावत को पेश करने का तरीका अंदाज हमारे अंदर भी पैदा कर दे रब्बुल आलमीन, हिकमत भरा अंदाज हमारे अंदर भी पैदा कर दे रब्बुल आलमीन। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जिंदगी से हमें सबक सीखने की तौफीक अता फरमा दे, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के तमाम चीजों से हमें फायदा उठाने की तौफीक अता फरमा दे रब्बुल आलमीन। जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जिंदगी से सबक सीखने का हुक्म हमारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिला है, तो हम तो बदलने वाला हमारे लिए जरूरी है कि हम उनकी जिंदगी से सबक सीखे, फायदा उठाए। मेरी माँ और बहने आप भी इससे फायदा उठाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि रब्बुल आलमीन हम तमाम लोगों के गुनाहों को माफ फरमा दे। लिहाजा मेरे भाइयों, मैं आपसे गुजारिश करूंगा हमारे जो भाई भी जुमे में आए हैं, आइंदा जुमे में भी आए ताकि जो है उनको ये दर्श बराबर सुनने का मौका मिले और इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सीरत से फायदा उठाने का मौका मिले। लिहाजा तमाम भाइयों से गुजारिश है कि आइंदा जुमे में भी वो शरीक हो। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे बैठने को, उठने को कबूल फरमा ले, हमारे जमा होने को कबूल फरमा ले और कुरान और सुन्नत की बातों को सुन करके अपनी जिंदगी के अंदर इंकलाब पैदा करने की तौफीक अता फरमा दे। रब्बुल आलमीन हमारे समाज से बुराई का खात्मा कर दे, हम सब को मिलजुल कर रहने की तौफीक अता फरमा दे। रब्बुल आलमीन जो परेशान हाल है उनकी परेशानी को दूर कर दे, जो बीमार है उनको शिफाए कामला अजर अता फरमा दे। अल्लाह जो दुनिया से जा चुके हैं उनकी कब्र को नूर से मुनव्वर कर दे। रब्बुल आलमीन जो दुनिया से जा चुके हैं अल्लाह उनकी कब्र को पोशाका कर दे। जन्नत अल-फिरदौस में आना मकाम नसीब फरमा। हमारे बहुत सारे भाई दूर दराज से आते हैं ताकि वो कुरान और सुन्नत की बातों को सुने, अल्लाह इनके दूर दराज के सफर को तो आसान कर दे और हर कदम के बदले अल्लाह उनके मीजान हसनात में नेकियां जमा कर दे। रब्बुल आलमीन हम तमाम लोगों को एक इंसान होने के नाते, एक मुसलमान होने के नाते एक दूसरे के दुख और दर्द में शरीक होने की तौफीक अता फरमा दे, हम सबको मिलजुल कर रहने की तौफीक अता फरमा दे और हमारे दिलों को अल्लाह तू साफ कर दे। हमारे दिलों में मुस्बत पहलू, पॉजिटिव पहलू जो है हमारे दिलों के अंदर पैदा कर दे। आमीन या रब्बुल आलमीन। वसल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद वअला आलिही वसहबी अजमईन।